बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, बख़ैर आमदीद। इट्स मी आतिफ फोकस, और इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 4 वर्क एंड एनर्जी, दैट्स फ्रॉम दिस बुक, फर्स्ट ईयर फिजिक्स, खैबर पख्तूनख्वा और फेडरल बोर्ड की है। यहाँ से हम फोर्थ चैप्टर के न्यूमेरिकल असाइनमेंट सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। सो जैसा कि मैं प्रीवियस लेक्चर्स में एग्जांपल्स इस चैप्टर के सॉल्व कर चुका हूं, और आगे भी मेरा इरादा है कि इस पूरी बुक के असाइनमेंट्स, न्यूमेरिकल एग्जांपल्स और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हम सॉल्व कर लें। टाइम ज़्यादा ज़ाया नहीं करेंगे, टू द पॉइंट रहेंगे। सो सबसे पहला क्वेश्चन अगर आप देखें, असाइनमेंट 4.1, दैट इज़ व्हाट इज़ द पावर ऑफ एन एयरप्लेन ऑफ मास ऑफ 3000 किलोग्राम्स इफ़ ऑन अ रनवे इट इज़ कैपेबल ऑफ रीचिंग अ स्पीड ऑफ 80 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम रेस्ट इन 4 सेकेंड्स। एक एयरप्लेन है हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, यानी रनवे पे, ये 0 से 80 मीटर पर सेकेंड की स्पीड तक पहुंच जाता है 4 सेकेंड में। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट इट्स पावर। पावर को कैलकुलेट करने के लिए हमें वर्क चाहिए कि कितना वर्क हुआ है, और हमें टाइम चाहिए कि कितने टाइम में वो वर्क हुआ है। अब यहाँ पे जो गिवन इंफॉर्मेशन है, पहले देखते हैं कि वहाँ पे वर्क के लिए डेटा अवेलेबल है या नहीं, बिकॉज पावर का फार्मूला है वर्क डन पर यूनिट टाइम W/T। सो मास ऑफ एयरप्लेन इज़ गिवन 3000 किलोग्राम्स, इनिशियल वेलोसिटी इज़ गिवन इज 0, फाइनल वेलोसिटी इज 80 मीटर पर सेकेंड, दैन टाइम इज 4 सेकेंड्स। नाउ रिक्वायर्ड इज़ पावर, ठीक है, पावर का फार्मूला वर्क डन पर यूनिट टाइम, जैसे मैं बात कर चुका हूँ। अब यहाँ से वर्क कैसे कैलकुलेट हो, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल मैं यूज़ करूँगा, बिकॉज वर्क एनर्जी प्रिंसिपल रिलेट्स वर्क टू द एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी इन पर्टिकुलर केस। काइनेटिक एनर्जी में चेंज वर्क के इक्वल है। अब काइनेटिक एनर्जी चेंज का मतलब है फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी है ½mv²² माइनस ½mvi². हाफ एम कॉमन है, मैंने बाहर लिखा, vf² माइनस vi², तो ये हमारे पास वर्क का फार्मूला आ जाएगा। इसको मैंने फार्मूला 2 कहा। इसमें जब मैं वैल्यूज पुट कर लेता हूँ यहाँ से गिवन डेटा से, तो मुझे वर्क की वैल्यू मिल जाती है। अच्छा, वैल्यू कैसे पुट की है, मास की जगह मैंने 3000 पुट किया है, vf की जगह मैंने 80 पुट किया, चूँकि उस पर स्क्वेयर है, यहाँ भी स्क्वेयर लिया, vi 0 है इसलिए वहाँ पर 0 पुट किया है। अब देखें, इसको मैं सॉल्व करूं तो यहां से 9.6 मेगा जाउल आता है, बिकॉज ये 96 के बाद 5 जीरोज हैं, तो 9.6 इंटू 10^6 जाउल्स है, 10^6 मेगा की इक्वल है। तो मेगा जाउल्स में, यानी इतना वर्क हुआ, अब कितने टाइम में हुआ दैट इज गिवन। तो इसलिए मैं ये वर्क की वैल्यू और टाइम की वैल्यू इस फार्मूला इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूंगा, एंड आई वुड गेट 2.4 मेगावाट। और इस तरह हम फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ जाएंगे, और इसके लिए मुझे वाइट बोर्ड मिटाना पड़ेगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम मैं यहाँ पे नोट कर लेता हूँ, उसको सॉल्व कर लेता हूँ, फिर मिलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, दैट इज़ असाइनमेंट 4.2, उसमें क्या कहते हैं, हाउ फास्ट वुड द मून नीड टू ट्रेवल इन ऑर्डर टू एस्केप द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ इफ़ अर्थ हैज़ अ मास ऑफ 5.98 × 10^24 किलोग्राम्स एंड डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ टू द मून इज 3.84 × 10^8 मीटर्स। नाउ इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन, लेकिन थोड़ी सी कन्फ्यूजन यहाँ पे बहरहाल है, और वो ये है कि ये जो डिस्टेंस गिवन है, ये अर्थ के सेंटर और मून के सेंटर के दरमियान है या उनके सरफेसेस के दरमियान है, बिकॉज वो भी मैटर करता है। बहरहाल मैंने एज्यूम किया है कि ये अर्थ और मून के सेंटर्स के दरमियान का डिस्टेंस है, और फिर उसको सॉल्व किया है, रिजल्ट वही आया जो बुक में साथ मेंशन है। तो बहरहाल गिवन डेटा इज़ मास ऑफ अर्थ एंड डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द मून। मैंने इसे सेंटर्स के दरमियान का डिस्टेंस एज्यूम किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये अर्थ है, और यहाँ पे अगर मैं मून को कंसीडर कर लूँ, तो इनके सेंटर्स के दरमियान का जो डिस्टेंस है दैट इज़ आर, और वो मैंने यहाँ पे लिखा है 3.84 × 10^8 मीटर्स। एंड देन फार्मूला इतिहाई सिंपल है, ऑलरेडी हम एग्जांपल्स जब सॉल्व कर रहे थे वहाँ पे भी बार बार इसको यूज़ किया है। सो वी स्केप इज़ 2 टाइम जी
दैट इज़ ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, इसकी अपनी वैल्यू है और मैंने वहाँ पे लिखी भी है, यहाँ पे भी लिख लेता हूँ आपके आपको याद रहे, 6.67 × 10⁻¹⁻ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। सो जब मैंने ये वैल्यूज यहाँ पर सब्सटीट्यूट की, मुझे क्या मिला, 1441 मीटर पर सेकेंड। सो इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन एंड वी नाउ मूव टू द थर्ड असाइनमेंट बैक। इसमें वेलकम बैक इन क्वेश्चन नंबर थ्री। असाइनमेंट नंबर थ्री में स्टेटमेंट है, कंसीडर अ पर्सन ऑन अ स्लेड स्लाइडिंग डाउन अ 100 मीटर लॉन्ग हिल ऑन अ 30 डिग्री इंक्लाइन। द मास इज 20 किलोग्राम एंड द पर्सन हैज वेलोसिटी 2 मीटर्स पर सेकेंड डाउन द हिल when they are on the top, yes, and how fast is the person traveling at the bottom of the hill? Pehla question ye hai. Dusra question hai, if the velocity at the bottom of the hill is 10 meter per second because of friction, how much work is done by friction? Now given data jo hai yahan se agar hum dekhen to ek person hai, koi bachcha hai 20 kilogram ka, aur wo ek hill se जो है स्लाइड कर रहा है, ठीक है। अब हिल की लेंथ गिवन है, अगर मैं यहाँ पर ये डायग्राम बना सकूँ, 30 डिग्री इंक्लाइन पे है तो ये 30 डिग्री हो गया, और लेंथ जो है दैट इज़ गिवन इज़ 100 मीटर्स, एस इज़ इक्वल टू 100 मीटर्स, मैंने इसको एस कह दिया है, ठीक है। अब वहाँ से जब ये बच्चा नीचे आता है तो इनिशियली जब वो टॉप पे है तो वो कहते हैं उसकी कोई हाइट होगी, दैट इज़ एच, एंड एच कहाँ से कैलकुलेट होगी, वैल्यूज उसकी नहीं दी गई, बहरहाल एक हाइट उसकी मौजूद होगी, और यहाँ से जब वो नीचे आएगा तो उस हाइट की वजह से उसकी कोई पोटेंशियल एनर्जी होगी, वही पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। अब पहला क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन ए इस तरह है कि उसमें फ्रिक्शन कंसीडर नहीं किया गया। वो कहते हैं कि जी यहाँ से अगर वो बच्चा स्टार्ट ले और यहाँ तक पहुँचे तो यहाँ पर उसकी जो वेलोसिटी होगी वो बताएं, फाइनल वेलोसिटी। अब ये फाइनल वेलोसिटी इन द एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन वगैरह हमने कंसीडर कर लेनी है। यहाँ पर इन द एब्सेंस ऑफ एयर मैंने लिखा है, आई मीन टू से फ्रिक्शन। तो अगर फ्रिक्शन नहीं होगी तो वेलोसिटी क्या होगी, एक तो ये फाइंड करना है, और दूसरा फिर अगर हम फ्रिक्शन को कंसीडर करें दूसरे क्वेश्चन में, सेक्शन बी में फाइनल वेलोसिटी गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड है, तो यहाँ पर उसने फ्रिक्शन को कंसीडर कर लिया है जो उस बच्चे के ऊपर एग्जर्ट होगी, तो इस वजह से जाहिरी बात है काइनेटिक एनर्जी में जो गेन होगी, जो इसमें इंक्रीज आएगी, वो उससे कम होगी जो विदाउट द फ्रिक्शन आ रही थी। बहरहाल उसका भी एक फार्मूला है, मैंने यहाँ पे दोनों फार्मूले लिखे हैं। पहले मैं लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी प्योरली गोज इनटू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, बट व्हाट इज़ द पोटेंशियल एनर्जी एट दैट पॉइंट, दैट इज़ द क्वेश्चन। उस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी का इतिहास सिंपल फार्मूला है, तो इनिशियल जो पोटेंशियल एनर्जी थी, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल दैट वाज एम जी एच, इनिशियल हाइट, एंड इनिशियल हाइट इज एच, सो एम जी, व्हाट इज एच, एच को अगर आप देखें तो इस ट्राइंगल का ये परपेंडिकुलर बनता है, तो परपेंडिकुलर इज हाइपोटेनियस मल्टीप्लाइड विद साइन थीटा, तो मैं यहाँ पर एस साइन थीटा लिख सकता हूँ बिकॉज इसको मैंने एस कह दिया है, और आप देख सकते हैं कि साइन थीटा चूंकि परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस होता है, तो परपेंडिकुलर यहाँ पर एच है, हाइपोटेनियस एस है, तो यहाँ से हमें एच मिल जाता है एस साइन ऑफ थीटा, एस कह दें या एक्स कह दें, बहरहाल दैट साइन ऑफ थीटा, और वहाँ से मैंने ये वैल्यू लिखी है। अब मुझे मालूम है कि एस क्या है, 100 मीटर्स है, एंगल गिवन है 30 डिग्री, तो यहाँ से मास भी मालूम है, इनिशियल जो टोटल उसके पास एनर्जी है सबसे पहले वो हमें कैलकुलेट हो जाती है, एंड वो यहाँ पे आ गई, ठीक है। तो दैट इज़ लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, लॉस इन
पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि यही पोटेंशियल एनर्जी में लास्ट यूज़ होना है आगे। एक केस में सारा का काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा और दूसरे केस में हमने इसको यूज़ करना है किस चीज़ के लिए, फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क को कैलकुलेट करने के लिए। बहरहाल दिस इज़ एम जी साइन एम जी एस टाइम्स साइन ऑफ थीट, ये हो गया। गेन इन काइनेटिक एनर्जी अब क्या है? तो अगर तो मैं फ्रिक्शन को इग्नोर कर दूं और गेन इन काइनेटिक एनर्जी की बात करूं, तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे हमें फाइनल वेलोसिटी चाहिए है, लेकिन फार्मूला वही यूज़ होगा। काइनेटिक एनर्जी में गेन का मतलब है, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। और इसका तरीका जैसे पहले भी हम प्रीवियस प्रॉब्लम में यूज़ कर चुके, हाफ एम वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, या इस तरह डायरेक्ट लिख लें, हाफ एम वी एफ स्क्वायर माइनस हाफ एम वी आई स्क्वायर, दैट इज गेन इन काइनेटिक एनर्जी। इतना काइनेटिक एनर्जी में गेन आएगा। अब इसको हम यहाँ पे, मैं ज़रा ये जगह साफ कर लूँ, अच्छा यहाँ पे अब अगर मैं इन दोनों को, यानी इसको कोई नाम दे दूँ वन और इसको कोई नाम दे दूँ टू, और वन और टू को अगर मैं ए में पुट कर लूँ, फार्मूला ए, वी गेट व्हाट वी गेट एम जी एस साइन ऑफ थीटा दैट इक्वल्स हाफ एम वी एफ स्क्वायर माइनस हाफ एम वी आई स्क्वायर। एम दोनों साइड पे डिवाइड कर लें तो इससे जान छूट सकती है, ये हो गया जी कैंसल, एंड हाफ इन दोनों में वैसे वैल्यूज़ यहाँ पे हम पुट कर लेते हैं, वी आई स्क्वायर वी आई था टू, फिर इसका स्क्वायर अगर हम ले लें तो ये हो जाएगा फोर, और वन बाई टू वी एफ स्क्वायर वैसे का वैसा, और जी जो है दैट इज़ 9.8, एस इज़ 100, एंगल इज़ 30, साइन ऑफ 30 इज़ 1/2, बहरहाल साइन ऑफ 30 जब हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं तो यहाँ से हमारे पास कोई फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी, जो मैं वहाँ से चेक करूँगा क्योंकि मैं एक दफ़ा इसको सॉल्व कर चुका हूँ, दैट टर्न्स आउट टू बी 31.4 मीटर्स पर सेकेंड। ये उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी जब यहाँ पे पहुँचेगा इन द एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन, अगर हम फ्रिक्शन को कंसीडर ना करें। लेकिन चूंकि इस क्वेश्चन के पार्ट बी में ये कहा गया है कि आप अगर फ्रिक्शन को कंसीडर कर लें तो फाइनल वेलोसिटी हो जाती है 10, तो हम यही फार्मूला दोबारा लिखेंगे। लास्ट इन पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हमें पता है, दैट इज एम जी एस साइन ऑफ थीटा दैट इक्वल्स गेन इन काइनेटिक एनर्जी, जो है बिल्कुल उसी तरह लिखेंगे, कोई उसमें लेकिन इस दफ़ा इसको थोड़ा सा और फॉर्म में लिख लेता हूँ, वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, थोड़ा सा शॉर्ट हो जाएगा। और तीसरा जो है वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन है डब्ल्यू एफ, अब ये अननोन है, हमें ये कैलकुलेट करना है। तो अगर मैं वैल्यूज पुट कर लूँ, वैल्यूज़ तो चूँकि ऑलरेडी मालूम है, मास दिया है कि इस दफ़ा मास हम पुट करेंगे वो कैंसिल आउट नहीं हो सकता, तो मास इज 20 किलोग्राम्स, जी इज 9.8, एस इज 100, साइन ऑफ 30, एंड इस साइड पे 1/2 मास है, दैट इज गिवन इज 20, वेलोसिटी फाइनल जो है, वेलोसिटी फाइनल इज 10, दैट इज गिवन,
इसको मैं भी अब डैश कह दूंगा इन दी एब्सेंस इन दी इन दी प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शन, ये है तो ताकि सिंबल्स डिफरेंट हों। और इसकी वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड, वी आई 20 था सो ये 10 स्क्वायर माइनस वी आई 2 था सॉरी 2 स्क्वायर एंड वी एफ जो है वो अननोन। यहाँ पे वैल्यूज पुट करूँगा, इसको लेफ्ट पे लाऊँगा तो मेरे पास जो होगा जो वैल्यू आएगी वो वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन होगी। एंड अगर हम देखें तो यहाँ से जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी थी वो ज़्यादा थी, जबकि काइनेटिक एनर्जी के अंदर जो चेंज है वो उतना नहीं है, तो कुछ वर्क फ्रिक्शन के अगेंस्ट ज़ाया हो चुका है। तो यहाँ से जो रिज़ल्ट मिलेगा वो मैं यहाँ पे लिखूँगा 8840 जाउल्स। तो चूंकि ये कहा गया है कि फ्रिक्शन ने कितना काम किया है, तो फ्रिक्शन ने इसी काम को किया है, लेकिन उसके साथ हम नेगेटिव साइन लिखेंगे। ये नेगेटिव साइन शोज दैट वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज नेगेटिव, इस वजह से यहाँ पे नेगेटिव साइज बनता है नेगेटिव साइन। और इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, वो मज़े वो सही, अल्लाह हाफ़िज़।